गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका नानी की रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कटलेट। ब्रेड को इस तरीके से काट लीजिए, ये हमने बाहर के किनारे निकाल दिए हैं। इसमें से ये मैंने एक प्याज लिया, बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है इस तरीके से। ये मैं इसमें भून लूँगी। ये मैंने एक हरी मिर्च ली है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया हमने। ये एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया, ये भी हमने बारीक कद्दूकस कर लिया है। ये मैंने चिकन लिए, दो पीस ही लिए मैंने, थोड़ा बनाना है मैंने तो मैंने इसलिए ये बॉईल कर लिया है इसको, और बारीक उसमें कूट लिया है मैंने इसको। नमक डाल रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार डाले, मैं बहुत कम नमक डाल रही हूँ इसमें। ये चाट मसाला लिया है मैंने, चौथाई छोटी चम्मच। ये लाल मिर्च पाउडर लिया है, जैसे खाएँ उस हिसाब से मिर्च डालें थोड़ी सी। ये हम गैस बंद कर रहे हैं। ये मैं धनिया डाल रही हूँ इसमें। ये मैं इन्हें थोड़ा मैंने ये काट लिए हैं इस तरीके से। एक ब्रेड में से हमने ये दो पीस किए हैं इस तरीके से। हम थोड़ा सा दबाव डालते हुए इसको इस तरीके से बना लेंगे। ये मैंने बेसन लिया है एक कटोरी छोटी। ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, नमक जिस तरीके से खाऊँ उस तरीके से डालें। ये लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ये थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ मैं इस तरीके से कर लें, और ये डाल लें इसमें। ये थोड़ा सा पानी डाल के इसको इस तरीके से मिला लें। देखिए ये बैटर इस तरीके से रखें। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये ब्रेड लिया है, मैं ब्रेड भी इस तरीके से ये पानी लगा लेंगे हम इस तरीके से, जिससे कि ये चिपकने में आसानी हो इसको। मैंने जो ये बैटर तैयार किया है, ये हमने चिकन, ये हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। देखिए ये जो हमने दूसरा पीस लिया है, ये हम इस तरीके से इस पर लगा लेंगे। ये देखिए, ये हम इस तरीके से भींच देंगे इसको दबाव देते हुए। ये देखिए, ये हमने चारों तरफ से इसको दबाव दे के हमने इसको तैयार कर दिया। ये हमने इस तरीके से बेसन में हमने ये कर दिया है। अब हम इसमें गरम कर लिया हमने ये तेल, ना ज़्यादा तेज करें ना ज़्यादा एकदम स्लो हो, मतलब मीडियम उस पर करें तेल को। ये देखिए फ्रेंड, कितने बढ़िया हमारे चिकन कटलेट बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूंगी। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया बनके तैयार हुए हैं, बहुत ही करारे, बहुत अच्छे लगेंगे। आप एक बार ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।